जय हिंद। मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल कॉल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली ज़िले के नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 में। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने कई बार प्रयास किया है कि लोग इसे देखें और समझें। बात की जाए स्वच्छ भारत अभियान, एक ऐसी योजना जिसने भारत को एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य, एक नया मुकाम दिया। उस योजना के तहत हर शहरों में अगर बात की जाए तो आज गंदगी के नाम पर लोगों ने अपनी जागरूकता दिखाई है। इंदौर यदि बात की जाए तो आज देश का नाम रोशन करने वाला शहर बना है क्लीन सिटी के नाम पर। लेकिन यदि बात की जाए नगर निगम सिंगरौली वार्ड क्रमांक 9 के दशा के बारे में तो ये लगभग 4 से 5 महीने से ही ये लगभग इसी प्रकार से है। लगभग सालों से आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। स्थिति क्या है मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। आप पहले तो देखिए ये जो मोहल्ला है, ये जो कॉलोनी है कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर घर की बात यदि की जाए तो कोई भी घर, छोटे मोटे घर नहीं, सभी बड़े मकान हैं। और देखा जाए तो यहाँ के लोग भी शिक्षित हैं तब इतने बड़े मकान हैं। लेकिन उस हिसाब से यदि बात की जाए रहन सहन की, यहाँ पर साफ़ सफाई की, तो सर्वप्रथम आपको हम दिखलाना चाहते हैं कि इन सभी मकानों के बीच में किस प्रकार से एक नाला सा बन गया है, किस प्रकार से पानी, गंदा पानी जम चुका है और जिसके कारण मच्छर हो रहे होंगे और कई सारी बीमारियाँ। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्राणी जिनको इस जगह पर नहीं होना चाहिए था वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले ये रास्ता हुआ करता था, ये वो रास्ता है जो आपको सीधा यहाँ से आदर्श गंगा स्कूल की ओर ले जाता है। मतलब एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर लोग कभी टहला करते थे सुबह और शाम। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के लोगों को शायद इसकी कोई इस बात में कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। हमने कई बार प्रयास भी किया कि लोग इस विषय में बोले। क्यों बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे शहर, हमारे नगर के गौरव की बात है, हमारे शहर, हमारे नगर निगम के गौरव की बात है जो कि यहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। यदि बात की जाए, यदि इस प्रकार की गतिविधियाँ ऐसे एरियाज़ में होने वाला हो, ऐसे एरियाज़ में होगा तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे जा रहे हैं। जागरूकता का विषय है कि इस प्रकार की गंदगी क्या शोभनीय है। देखा जाए तो जिस प्रकार का ये एरिया है, यहाँ पर सभी जो मकान हैं सब बड़े बड़े मकान हैं। लेकिन यदि बात की जाए साफ़ सफाई की तो ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक सड़क है। इस सड़क से लोगों का आना जाना होता है। इस सड़क पर इतनी गंदगी बिल्कुल भी अवांछित है। ये सड़क पर ये गंदगी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर मौजूद है और शायद यहाँ पर लोगों को बोलने का मन नहीं करता। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि लोग इस विषय में जागरूक हों, लोग इस विषय में कुछ बोलें। लेकिन अभी तक शायद हमारे पीछे देखा जाए तो कितना सारा गंदगी और कितना सारा पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। और शायद हमसे कुछ बात करने के लिए ये व्यक्ति आ रहे हों, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या अंकल कुछ बात करेंगे जी इस गंदगी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? गंदगी तो बहुत दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। मतलब आप देखिए कि किस प्रकार का एरिया है, कॉलोनी कितनी शानदार है। ऐसी कॉलोनी में इस प्रकार की गंदगी शोभनीय तो नहीं है। नहीं, आप ऐसे कहाँ पर रहते हैं? यही बगल में, ये घर आपका ही है? आप लोगों इसे बगल में आवेदन कभी नहीं दिया आप लोगों ने? बहुत दिया, यहाँ दिखाया अभी आकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो कहीं ना कहीं इतना सारा पानी जो कहीं ना कहीं बीमारियों का घर है। हाँ वो तो है ही है, सब देख रहे हैं आकर के, दिखाए भी। सालों से है, सालों से। कितने दिनों से ये? अरे एक साल से। साल बरसात में कैसा नज़ारा होता है? बरसात में पूरा प्रलय हो जाता है, प्रलय है ना पूरा बराबर। तो देखा जाए तो ये जो बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी नाकामयाब कोशिश रही है नगर निगम की ओर से, ये निंदा का विषय है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कुछ ही दिनों में पार्षद के चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस विषय पर चुनाव होंगे और किस विषय पर लोग वोट मांगेंगे। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल कॉल पोस्ट, जय हिंद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।